हेलो दोस्तों, जिंदगी को आसान बनाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण जी अपने को ये कह कर गए हैं, आपत्ति और महत्वपूर्ण कार्य करते समय धैर्य मत खोइए, परंतु सोच समझकर उसके ऊपर उपाय कीजिए। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। किसी भी कार्य में माता पिता और सच्चे मित्र ही आपके सहायक होंगे। बाकी लोग तो बस अपना नफा नुकसान देखकर ही आपके साथ आएंगे। नफा हुआ तो आपके साथ, नुकसान हुआ तो चल दिए, रुखसत कर लिए। इस तरीके से घात करने वाले मित्र को पहचाने, मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे छुरा मारने वाले मित्र को छोड़ देना चाहिए। आपको विश्वासघाती मित्र को पहचान करानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो घातकी होता है। अपरिचित व्यक्ति, जिस व्यक्ति का कुल निवास शील और स्वभाव यदि ठीक से आपको पता ना हो, तो उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए तथा उसको अपनी जिंदगी में हस्तक्षेप भी करने नहीं देना चाहिए। साधुजन तो गुणरहित शत्रु पर भी दया दिखा देंगे, परंतु संसारी व्यक्ति को यह अधिकार कतई नहीं है, बल्कि वो तो अपने परिजनों तथा स्वदेश के हितों का भी विश्वस्त है और उनके सुरक्षा प्रति भी उत्तरदायी है। धन का उचित मात्रा में संचय करना अच्छा होता है, परंतु अति संचय अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति फिर दिन रात उसी के चक्कर में आ जाएगा। सुरक्षा बढ़ोतरी अधिकाधिक संचय करना इस चक्कर में डूब जाएगा। इसलिए धन केवल तीन ही गति से खर्च होता है, दान उपभोग तथा नाश। जो लोग दान नहीं करते तथा उपभोग भी नहीं लेते, उनका धन नाश की गति को प्राप्त करता है। इसलिए धन का दान करो या उसका विनियोग करो, युक्ति से कार्य लो। जो कार्य बल तथा पराक्रम से नहीं हो पाता है, वो युक्ति से सहजता से हो जाता है। युक्ति बड़ी काम की चीज़ है, युक्ति से काम लिया करो। यदि आप नौकरी पेशा है तो याद रखिए, एक बुद्धिमान नौकर को चाहिए कि उसके मालिक को उसकी सदा जरूरत बनी रहे। अगर मालिक की जरूरत खत्म हो गई तो निश्चित ही आप नौकरी संकट में आ जाएगी। किसी के भी काम में यूं ही दखल मत दिया करो, या फिर कोई भी राय मत व्यक्त करो, क्योंकि इसके लिए उस क्षेत्र का न्यूनतम उपयुक्त ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसलिए अपने प्रतिस्पर्धी तथा शत्रु के आवेशपूर्ण रवैये से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि सोच समझकर उसका प्रतिकार करना चाहिए कि भाई इस शत्रु ऐसे इस तरीके से आ रहा है, इस आवेशता से बात कर रहा है, इम्प्रेसिव बातें कर रहा है, गुस्से से बातें कर रहा है, नहीं आना है आपको इम्प्रेशन में। प्रतिकार करने का सोचो प्रतिस्पर्धी के लिए। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, अगर बुद्धि नहीं है तो ऐसे बल का क्या उपयोग। बल का बुद्धि के बिना कुछ भी उपयोग नहीं है, वो निरुपयोगी है, उसका काम कुछ भी नहीं है। संकट आने पर जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है वही सफल होता है। यदि संकट आता है तो आपको आपकी बुद्धि शाबूत रखनी पड़ेगी, विचलित नहीं होने देना अपनी बुद्धि को। घर के भेदी से सावधान रहिए, क्योंकि ये तो सर्वज्ञात है, महाप्रतापी रावण भी उसके घर के भेदी के कारण ही हार गया था। उसको हार झेलनी पड़ी थी घर के भेदी की वजह से। वो कहावत ही हो गई ना, घर का भेदी लंका दहाय। अक्ल का कोई भी विकल्प नहीं है, यहाँ तक भी नकल करने के लिए भी आपको अकल की ही जरूरत पड़ेगी। तो अकल के लिए कोई विकल्प नहीं, अकल कमानी ही पड़ेगी, बनानी ही पड़ेगी। दुष्ट व्यक्ति का साथ मत दो, उसके साथ काम से काम रखो, और काम होते ही तुरंत वहाँ से निकल पड़ो, तुरंत रफा दफा हो जाओ। अपने दल को छोड़कर जो दूसरे दल के हितचिंतक बने फिरते हैं, उन्हें दोनों ओर से निराशा ही हाथ लगती है। दोनों डगर पे हाथ रखोगे भाई, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मोहरे अपने आप यूं ही थोड़े बने हैं। याद रखिए, कोई भी किसी का सेवक नहीं होता है, सब पैसों की सेवा करते हैं। अपनी भलाई करने वाला पराया भी भाई के समान होता है, और भाई भी अहित चाहे तो आपका शत्रु ही होता है। बिना विचारे कोई भी काम मत करो, ताकि बाद में पछताना पड़े। हितचिंतकों का कहना मानो, हितचिंतक अपने हित की बात करते हैं।
भविष्य का विचार करो, भविष्य के लिए संसाधन जुटा के रखो, बुढ़ापों में आप क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सारी चीज़ें बना के रखो, आवश्यक सारी चीज़ें बना के रखो। कोई भी काम करते वक्त उपाय के साथ अपाय भी सोचो, उपाय के साथ अपाय भी आता है, कुछ भी गलत हो जाता है उसके बारे में सोचो, सोचने का रवैया बदलो, क्योंकि भाग्य के सहारे बैठने वाले और जो होगा सो होगा ऐसे सोचने वाले लोगों के ऊपर अनचाही मुसीबतें आती ही रहती है, क्योंकि वो बैठे रहते हैं जो होगा सो होगा देखा जाएगा करके, अनचाही मुसीबत आ पड़ी, ये आ गई वो आ गई वो आ गई आती रहेगी। अपने से अधिक या अपने का समान शक्तिशाली आदमी के साथ झगड़ा नहीं करना है, व्यक्ति के साथ संधि कर लेना है। यदि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, ऐसी सोच रखने वाले लोग सहजता से दुष्टों के हथकंडों में फंस जाते हैं। दुनिया को पहचानो और याद रखो, सज्जन व्यक्ति की बुद्धि भी दुष्टों के छल भरी बातों में आकर भ्रमित हो जाती है, चंचल हो जाती है। जैसा समय वैसा काम, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि काम पड़ने पर विरोधी का भी आदर करे और अपना काम निकाल लें। काम तो निकालना पड़ेगा, आदर करो उनका, रिस्पेक्ट करो, काम निकाल लो। उत्सव, दुख, युद्ध, अकाल पड़ने पर या देश में संकट उत्पन्न होने पर, सरकारी कामों में या श्मशान में जो दिल से अपने साथ देता है वही अपना बंधु है, वही सगा सोहरा है। कोई भी काम उतावलेपन से मत करो, धीरज रखो, तभी अनावश्यक आपत्तियों से बचाव होगा। धीरज बहुत जरूरी है। स्तुति करने वाले एक नहीं हजारों मिलेंगे आपको, हजारों, परंतु आपकी फिक्र करने वाला आपको खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। जिंदगी तो आज भी सस्ती है जनाब, जिंदगी तो आज भी सस्ती है, हमारे तरीके ज़्यादा महंगे हो गए जिंदगी के। आनंद पाना चाहते हो वो भी मुफ्त, तो किसी प्राइमरी स्कूल में छुट्टी के वक्त पहुँच जाओ, नन्नी किलकारियाँ सुनो, भाव विभोर हो जाओगे मुफ्त में आनंद। रिश्ते खामोश नहीं होने चाहिए, अगर एक चुप हो जाए तो दूसरे ने आवाज़ देनी चाहिए। रिश्ते जिंदा बना के रखो।